अपना जो सिस्टम नहीं आता है, तो यहाँ पे सिस्टम के फिटमेंट के लिए सारे जो वायरिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे करी जा रही है। और पैनल साउंड की जो डैम्पिंग है इसके चारों दरवाजों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। प्रीमियम जो अपनी कार्डी वाली एम्बिएंट लाइट है उसका फिटमेंट किया गया है। टच का रिस्पॉन्स आप देखिएगा तो लैग फ्री जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो यहाँ पे किया जेन्युइन वाले अपने जो स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसकी स्ट्रेंथ काफी मजबूत रहती है, अपना खड़े होकर के भी आप जो है चेक कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप देखो डीआरएल जब ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद हेडलाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जबरदस्त। मतलब नाइट टाइम में जो है जब इसको कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको लाइट की कमी नजर नहीं आने वाली। कमी नजर नहीं, अभी दिन के टाइम है ना, रात को इसमें बहुत फोकस है। श्री राम जी, और जब मैं आ ही रहा था तो रास्ते में भी लगा था, इनको पता है कि कैरन गाड़ी यहीं पे आ गई है। तो कैसा लगा, सारी एक्सेसरीज आपको जो है वो मिल गई अपनी गाड़ी की? बहुत बढ़िया नेचर है भैया का, पहली बात तो नेचर बढ़िया होना चाहिए, काम बाद में देखते हैं। मुझे काम भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत जल्दी काम करवा के दिया था भैया। नंबर देना हो 10 में कितना बताना चाहोगे आप? पूरे 10 में से 10 पूरे नंबर। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं हूँ श्री बालाजी कार एक्सेसरीज करोड़ बाग में, और अपने सामने आज जो है वो तीन तीन गाड़ियां खड़ी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाली अपनी जो गाड़ी है ये है किया कैरेंस का बेस मॉडल प्रीमियम, इसका भी जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो काफी कुछ एक्सेसरीज बिल्कुल बेस टू टॉप वाला सारा काम जो है इस वाली कार के अंदर जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी ये भी अपनी कैरेंस ही है, और ये अपना जो प्रेस्टीज वेरियंट है वो वाला वेरियंट है, और इसके अंदर काम जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। और तीसरी गाड़ी है अपनी ये वाली जो की अपना स्विफ्ट है, और ये स्विफ्ट का अपना VXI वाला जो मॉडल है उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन है वो चल रहा है। अभी जो है यहाँ पे अपना बेस टू टॉप सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये वाली सारी तीनों गाड़ियों के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो आज जो है वो किया जा रहा है। चलिए एक करके दिखाते हैं क्या क्या एक्सेसरीज जो है इन गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देखो तो अपना जो बेस वाली मॉडल है उसके अंदर अपना जो सिस्टम नहीं आता है, तो यहाँ पे सिस्टम के फिटमेंट के लिए सारे जो वायरिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे करी जा रही है। अपना यहाँ पे पैनल साउंड का जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आपको मैं दिखाता हूँ, बाकी आपको मैं गाड़ी की जो कंडीशन है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना सीट कवर वगैरह का जो काम है वो किया जा रहा है। डोर पैनल्स आप देखोगे तो डैम्पिंग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, और पैनल साउंड की जो डैम्पिंग है इसके चारों दरवाजों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। चारों दरवाजों के अंदर डैम्पिंग का जो काम है कम्प्लीट हो चुका है। स्पीकर्स भी जो है वो लग चुके हैं, इन्फिनिटी के अपने जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रियर डोर का स्पीकर, कॉम्पोनेंट स्पीकर जो है यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरीके से आगे भी आपको जो है सेम यूनिट यानी कि कॉम्पोनेंट स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चारों दरवाजों में जो अपने इन्फिनिटी के स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और आप यहाँ पे आप जो इतनी स्क्रीन है वो देख सकते हो, इसका फिटमेंट किया जा रहा है। और वायर कटिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली, जितनी भी वायरिंग इसके अंदर बनाई जाती है वो सारी कुछ बनाने के बाद जो है इसका फिटमेंट रहने वाला है। कपलर टू कपलर जो है सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, आप इसके सामने ही है तो यहाँ पे जो फिटमेंट है वो करी जा रही है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाता हूं, ये अपना स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर स्टीयरिंग रैप जो है वो किया करा जा रहा है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो ब्लैक कलर का अपना कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो रहने वाला है। स्टिचिंग वगैरह जो है यहाँ पे भी करी जाएगी, बूस्टिंग के साथ इसकी जो है कंप्लीट यहाँ पे काम हो चुका है, और ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे सिलाई जो है वो लगाई जा चुकी है। इसके अलावा आपको मैं एक बार इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो दोनों ही हेडलाइट्स है वो ओपन करी हुई है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, दोनों ही लाइटों को ओपन किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर DRL और अपना जो है लाइटिंग सिस्टम का जो काम है वो किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जो है वो लैंप मिलता है कुछ इस तरीके से, इसको रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ पे अपने जो सनग्लास होल्डर है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके की जिसके अंदर फंक्शनैलिटी है वो मिल जाएगी, और दो आपको इसके अंदर इसके साथ जो है वो ब्राइट वाली LED जो है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर फिटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बाकी के जो बल्ब है उनको भी चेंज कर दिया गया है, इस वाले बल्ब के अंदर भी LED बल्ब लगा दी गई है, और उस वाला जो बल्ब है उसके अंदर काम जो है वो चल रहा है, LED बल्ब उसके अंदर भी रहने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो DRL की वायरिंग है वो करी जा रही है, और इसका जो कैनवस आप इसको कह सकते हो लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो अपना कपलर टू कपलर जो फिटमेंट है इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोई भी जितनी भी वायरिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके अंदर वायर कटिंग नहीं करी गई, अपनी वायरिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर अपना कपलर के साथ ही जो इसका कनेक्शन है वो दिया गया है। बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो अपनी हेडलाइट है जिसके अंदर अपनी DRL लाइट का फिटमेंट है वो क्या जाना था, तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो तो DRL लाइट का जो फिटमेंट है वो यहाँ पे हो चुका है, और इसके अंदर आपको जो हेलोजन बल्ब मिलता है यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, इसको भी रिप्लेस किया जा रहा है, और LED बल्ब के साथ जो अपनी रिप्लेसमेंट है वो रहने वाली है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। और कपलर टू कपलर जो फिटमेंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, तो आपको मैं साथ ही साथ दिखा देता हूँ। तो ये अपना ब्रैकेट जो है उसको वहाँ पे अपना फिट कर रहे हैं जो कि अपनी LED रहने वाली है, ये अभी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके की अपनी जो LED बल्ब है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, प्रॉपर कैनवस वगैरह के साथ है, और इसकी जो फिटमेंट रहेगी वो कपलर टू कपलर ही आपको देखने को मिलेगी, ये भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे आप इसकी कपलर जो है वो देख सकते हो, तो तीन पिन जो है वो आपको इसकी साइड में देखने को मिल जाती है, और जो इसके अंदर बल्ब निकला है उसमें भी आपको तीन पिन ही देखने को मिलती है। तो अपनी लाइट का जो फिटमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देखें तो सारी वायरिंग वगैरह आपको जो है इस तरीके से निकाली थी, सारे कपलर टू कपलर फिटमेंट दोबारा से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए।
तो पार्किंग बल्ब भी इसके अंदर आपको हेलोजन वाला मिलता है, उसको भी चेंज कर रहे हैं और उसके अंदर भी एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। श्री राम जी से, श्री राम जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो इस वाली गाड़ी का काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो बताइए क्या क्या चीजें लगाई हैं इस गाड़ी में? करें मतलब ये बैक गार्ड लगाई है पीछे वाला, ये अपना यहाँ पे लेग गार्ड जिसको कहते हैं रियर का, ये कंप्लीट लगा हुआ है। इसके बाद मतलब ये फुट रेस्ट लगाई है, ये टॉप मॉडल वाला पैटर्न आपको यहाँ टॉप मॉडल और कैरेंज की आपको इसको मार्किंग जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस पर खड़े हो सकते हैं श्री राम जी? हाँ खड़े हो, दिखा सकते हो आप, एक बार खड़े होकर दिखाइए। तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत रहती है, अब मैं खड़े होकर के भी आप जो है चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये गार्निश लगी है, ये कंप्लीट क्रोम गार्निश, ये डोर वाइजर लगी है, ग्रिल लगी है, ठीक है। इसके बाद डोर हैंडल के ऊपर भी क्रोम जो है वो लगाया गया है, क्रोम लगी है। तो ये सारा क्रोम का जो एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है साइड प्रोफाइल में। बाकी डी आर एल लगी है जो पिछले भी वीडियो में दिखाई दे, डी आर एल एलईडी लगी है। कितने वाट होगी ये? होगी कहना मतलब 200 वाट, 200 वाट की अपने एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल किया गया है। एक बार डीआरएल जला के दिखाइए कैसा लगता है। तो भाई यहाँ पे आप देखो, डीआरएल जब ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसके बाद हेडलाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हो जबरदस्त। मतलब नाइट टाइम में जो है जब इसको कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको लाइट की कमी नजर नहीं आने, कमी नजर नहीं। अभी दिन के टाइम है ना, रात को इसमें बहुत फोकस है, बहुत बढ़िया अपना रहा। काम के अंदर कोई कमी हो तो मैं जिम्मेवार हूँ, इसके लिए मैं चैलेंज है मुझे, तो चैलेंज के साथ काम करते हैं, काम बढ़िया चैलेंज के साथ ही काम करते हैं। तो बाकी एक बार इस कार के ओनर से मिल लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। अभिषेक मेरा नाम। अभिषेक कहाँ से आ रहे हैं सर आप? द्वारका मोड़। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे देखा था, सर्च किया था कि कैरेंस मॉडिफिकेशन करोल बाग, तो भैया का सबसे टॉप पे आया था श्री राम जी, और जब मैं आ ही रहा था तो रास्ते में लगा था, इनको पता है कि कैरेंस गाड़ी यहीं पे आ रही है। तो कैसा लगा, सारी एक्सेसरीज आपको जो है वो मिल गई अपनी गाड़ी की? बहुत बढ़िया नेचर है भैया का, पहली बात तो नेचर बढ़िया होना चाहिए, काम बाद में देखते हैं। मुझे काम भी बहुत बढ़िया लगा और बहुत जल्दी काम करवा के दिया था भैया ने। बस मैंने अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और करानी है, कुछ टाइम बात कराऊंगा। अभी फिलहाल नई गाड़ी निकलवाई एक दो दिन पहले ही, तो मैंने जो जितना काम हो सकता था भैया से करवा लिया। अभी तो अभी तक जो गाड़ी के अंदर काम हुआ है पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ। नंबर देना हो 10 में कितना बदलना चाहोगे आप? पूरे 10 में से 10 पूरे नंबर। तो फिर कभी आपको दोबारा से काम करवाना होगा तो इन्हीं को रिकमेंड करेंगे? एक महीने बाद बोल रखा है मैंने, बहुत कुछ काम कराना है, डैम्पिंग वगैरह करानी है, डैम्पिंग वगैरह नहीं करवाई है और कुछ लाइट है और कह रहे हैं भैया। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ऐसे ही आते रहिए, अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कराते रहिए। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, इसमें आपको स्टेरिक माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो नहीं मिलते हैं, तो किया जेन्युइन अपने स्टेरिक माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल का जो फिटमेंट है वो किया जा रहा है, और ये अपना म्यूजिक सिस्टम के साथ प्रॉपर पेयर रहेंगे। अपना जिस तरीके से सारे कंट्रोल आपको अपर मॉडल के अंदर कंपनी वाले मिलते हैं, सेम सारी फंक्शनलिटी जो है इसके साथ भी आपको मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी साइड प्रोफाइल तो आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं। क्या क्या अपडेट है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको रूफ रेल्स जो हैं वो नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे अपनी ABS क्वालिटी वाली जो रूफ रेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाने वाली हैं, सिल्वर और अपना ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉपर जो है सिलिकॉन लगा करके इसकी जो फिटमेंट है वो करी गई है, और उसके बाद यहाँ पे टेप जो है वो लगाई जा चुकी है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो अपने जो डोर वाइजर्स हैं उनका फिटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, और कैरेंस के प्रॉपर हैं, यहाँ पे आपको जो मार्किंग है वो भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ये 6 पीस में रहने वाले हैं, अपना इस वाले पोर्शन के ऊपर भी जो है ये कवर करते हैं। फुल क्रोम इंसर्ट के साथ जो है इसका एक फिटमेंट यहाँ पे किया गया है, अगर आपने क्रोम नहीं चाहिए तो आप जो है विदाउट क्रोम वाला भी लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे सारा पोर्शन आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी अपनी जो क्रोम लाइनिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, 6 पीस वाली अपनी जो क्रोम लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विंडो लोअर गार्निश कहते हैं इसको, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको जो फिटमेंट है वो देखने को इसका मिल रहा है। तो ये कंप्लीट जो है वो रहने वाली है, लुक काफी अच्छा ऑफर कर देती है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स आते हैं इस वाली कार के अंदर, इसके ऊपर भी क्रोम का जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, इसको आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको जो व्यू है वो ऑफर कर रहा है। इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं तो साइड की जो बीडिंग है वो लगाई गई है जो कि क्रोम इंसर्ट के साथ रहने वाली है,
इसको भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये अपने चार पीस में रहेगी, दो पीस इस साइड में है, ये प्रॉपर आप देख लीजिए, और दो पीस जो है उस तरफ भी लगाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अपना जो है जिस तरीके से अपनी दूसरी वाली गाड़ी थी उस पर काम किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कैरेंस की जो है फुट स्टेप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप इजीली खड़े हो सकते हो, और ये अपना जो है प्रॉपर फिटमेंट के साथ यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। ऊपर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना इस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता है, तो इसका फिटमेंट भी किया गया है। चेक कर सकते हो किस तरीके का जो आपको व्यू है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बॉडी कलर वाइट कलर के साथ जो है इसका फिटमेंट यहाँ पे किया जा चुका है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अपने जो ये आप पोर्शन देख लीजिए, तो इसके ऊपर अपनी जो डिग्गी पत्ती है, डिग्गी क्रोम आप इसको कह सकते हो, ये भी लगाई गई है। और यहाँ पे अपना जो है ज्वेल डिजाइन आपको देखने को मिलने वाला है, जिस तरीके से आपको जो है ग्रिल के ऊपर देखने को मिलता है, सेम उसी डिजाइन के साथ जो है यहाँ पे इसकी फिटमेंट करी गई है। ये भी आपको मैं चेक करवा दूँ, तो ये सेम पैटर्न जो है जिस तरीके से आपको यहाँ पे ज्वेल पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, सेम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है अपना डिग्गी के ऊपर जो क्रोम लगा है उसके ऊपर भी आपको पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लुक काफी अच्छा है, इससे जो है काफी इनहेंस हो जाएगा। तो ये सारी जो एक्सेसरीज है वो लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो अपना डैशबोर्ड जो है उसका पैनल कम्प्लीटली ओपन है। इसके ऊपर आपको जो पियानो ब्लैक टचअप है वो देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हाइड्रो ड्रिप पेंट जो है वो यहाँ पे किया गया है। तो इसके लग जाने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर आपको टॉप मॉडल वाला जो फील है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो दोस्तों अपनी कैरेंस जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है कम्प्लीटली, और आप सामने से इसका लुक देख लीजिए कितना ज़बरदस्त वाला हो चुका है। तो एक बार फिर से मिलते हैं श्री राम जी से और जानते हैं कि इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन जो है वो किया गया है। इसमें LED लगा है 200 वाट का, 200 वाट की LED जो बल्ब है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो इसका जो रिस्पॉन्स अभी आपको चेक करवाते हैं। बाकी DRL लगे हैं, मैटिस वाला DRL। तो ये डुअल पर्पज वाले अपने DRLs हैं, जो कि आपको DRL पे मैंने आपको दिखा दिया है। DRL पे आप इसका जो व्यू है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब आप इंडिकेटर पुट करोगे जिस भी साइड का तो ये सिक्वेंशियल टाइप जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लुक बहुत ही अमेजिंग वाला हो जाता है, और लाइट का थ्रो जो है क्योंकि आप यहाँ पे चेक करिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, तो आप काफ़ी ब्राइट जो 200 वाट के LED बल्ब है काफ़ी ब्राइट जो इसका आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल रोड पे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइट में कहीं कमी नजर नहीं आने वाली। नहीं, बिल्कुल 2 साल की गारंटी है सर। 2 साल की गारंटी रिप्लेसमेंट वाली? हाँ बिल्कुल। तो 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ जो है ये अपने जो लाइटिंग सेटअप है वो कम्प्लीट जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है। बाकी साइड प्रोफाइल मैंने आपको कम्प्लीट जो है वो दिखाई दी थी, यहाँ पे एक अपडेट ये जो है वो किया गया है अपने डोर एज गार्ड का, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो किया की मार्किंग के साथ प्रॉपर जो डोर एज गार्ड है वो यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हो। चारों दरवाजों के एंड में आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। तो दरवाजों में मैंने यहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम है वो दिखा दिया है। तो यहाँ पे प्रीमियम जो अपनी कार्डी वाली एमियट लाइट है उसका फिटमेंट किया गया है, सिर्फ एक कलर में नहीं जलती, इसके अंदर मल्टीपल कलर की आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। रनिंग कंडीशन में नाइट टाइम में जब इसका यूज करोगे तो बहुत ही जेन्युइन वाला जो इसका रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप प्रॉपर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो कार का इंटीरियर जो है बिल्कुल प्रीमियम वाला जो है बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कंप्लीट जो इसका डैशबोर्ड पैनल है उसके ऊपर यहाँ पर जो है पियानो ब्लैक जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो पियानो ब्लैक आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है, सेम उसी तरीके का जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट जो है यहाँ पे अपना जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है, और फिटमेंट आप इसकी देखोगे तो कहीं पर भी आपको कोई भी पैनल गैप वगैरह जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। A to Z आपको ये देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नक्कर टू नक्कर जो फिटमेंट है इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसकी बात कर लेते हैं टच स्क्रीन की, तो यहाँ पे आप देखो तो 10 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है, 2 GB RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। टच का रिस्पॉन्स आप देखिएगा तो लैग फ्री जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापले की जो कनेक्टिविटी है इसके साथ वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है अपने स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे किया जेन्युइन वाले अपने जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ये बिल्कुल पेयर्ड रहने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम माइनस हो रही है, ये अपना प्रॉपर वॉल्यूम का बटन जो है वर्क कर रहा है, वॉल्यूम प्लस होगी इस तरीके से अपना म्यूट अनम्यूट सारे बटन जो है वो आपको ये देख सकते हो, यहाँ से म्यूट हो रहा है अनम्यूट हो रहा है, सारे बटन मोड वगैरह के सारे कुछ आपको जो है वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से आपको इसके अपर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है सेम फंक्शनलिटी के साथ जो है यहाँ पे सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। रियर व्यू जो कैमरा है उसका भी जो फिटमेंट है वो किया गया है। तो कैमरे का रिस्पॉन्स किस तरीके का है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर आपको जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं और उसके हिसाब से बिल्कुल आपको परफेक्ट है कि गाड़ी जो है बड़ी आराम से जो है वो आप इसके अंदर देख करके पार्क जो है वो कर पाएंगे, और पीछे के ऑब्स्टेकल वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कुछ आपको क्लियर जो है इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ आते हैं तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, डे टाइम में मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे 2 लाइटिंग सेटअप के साथ जो अपना सनग्लास होल्डर है वो भी अपडेट किया गया है, इसको आप जो है वो चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का ये रहने वाला है। इसी के साथ साथ इसके जितने भी बल्ब आते हैं इसके कैबिन के अंदर सारे के सारे आपको जो है
एलईडी के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, इस वाले के अंदर भी और उस वाले के अंदर भी, दोनों में अपना एलईडी बल्ब जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको इसका जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाता है। और इसके जो अपने यूएसबी की केबल्स हैं वो आपको जो है इसके ग्लोव बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यहां से आप जो है इसके अंदर अपने यूएसबी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके सीट्स की दोस्तों, तो यहां पे आपको फुल अपना जो बकेट फिटेड सीट कवर्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो सीट कवर्स यहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि अब कैरेंस के बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो इसी के लिए यहां पे आप देखोगे तो एयरबैग फ्रेंडली वाले अपने सीट कवर्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसको आप जो है यहां पे चेक कर सकते हो, तो यहां पे आप इसको देख लीजिए, तो अपने एयरबैग वाले जो सीट कवर्स हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। एयरबैग फ्रेंडली ये रहने वाले हैं। तो इस वाले सीट कवर के साथ जो अपना फिटमेंट है कंप्लीटली यहां पे किया गया है, इसको आप चेक कर सकते हो। तो फिटमेंट है बिल्कुल प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी, कहीं पर भी आपको रिंकल वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलने वाले। चाहे आप इसकी फ्रंट सीट देखें, चाहे आप इसकी रियर सीट या फिर थर्ड रो वाली सीट भी आप जो है वो चेक करवा दूंगा अभी आपको मैं। तो प्रॉपर फिटमेंट जो है वो किया गया है। फ्लोर पे देखोगे तो अपने 70 वाले जो मैट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि इसके थर्ड रो तक रहने वाले हैं। ये आप इस वक्त कोड्राइवर वाला जो पोर्शन है वो देख रहे हैं। इसके पास आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो तो नीचे की तरफ जो फ्लोरिंग है वो भी करवा सकते हो, उसका भी अपने पास ऑप्शन है। उसमें क्या है, जैसे कि 70 मैट के अंदर इतना एरिया जो ये कवर कर रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये अभी भी ब्लैंक है, यहाँ पे खाली जगह मिल जाती है। तो अगर आपने चाहिए तो लेमिनेशन करवा सकते हो, प्रॉपर जो है वो अपनी लेमिनेशन जो है हो जाती है। अपने जो मैटिंग के साथ फ्लोरिंग का भी फिटमेंट आप जो है इसके अंदर करवा सकते हैं। बाकी दरवाजों में स्पीकर जो है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, ट्विटर रह गए थे। तो ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके फ्रंट वाले में। और एक बार मैं आपको रियर में ले चलता हूँ और रियर के भी अपने जो ट्विटर्स वगैरह हैं वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो जो रियर डोर के ट्विटर्स हैं उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो इसको अंदर लगवाना तो आप अंदर भी करवा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर आते हैं, रियर सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रियर सीट की जो फिटमेंट है वो आप चेक कर लीजिए। आर्मरेस्ट वगैरह जहाँ पे जो चेक करने की चीजें होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर जो है आपको इसकी फिटमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाने वाली है। और इसको ही टंबल करते हैं और आपको दिखाते हैं थर्ड रो एक बारी। तो थर्ड रो में भी आप जो है यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब कि प्रॉपर जो काम है वो हो चुका है। और मैट आप देख सकते हो, मैट अपने थर्ड रो तक आने वाले हैं। इसका जो सेकंड रो वाला मैट है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सेकंड रो के अंदर भी मैट लगा हुआ है, थर्ड रो के अंदर भी मैट है और अपना फर्स्ट रो के अंदर भी मैट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। डिग्गी में बात कर लेते हैं एक बार ही, तो यानी जो यहाँ पे बूट लैंप है वो नहीं मिलता है आपको इस वाले मॉडल के अंदर। तो बूट लैंप का जो फिटमेंट है वो किया गया है और ये प्रॉपर रहने वाला है। इसके अंदर भी चाहो तो आप एलईडी लगवा सकते हो, तो अपने पास ऑप्शन इसका भी है कि अगर आप चाहते हो इसके अंदर एलईडी लगवाना तो एलईडी आप यहाँ पे लगवा सकते हो। खैर भैया ने जो है इस वाली कार के अंदर हैलोजन बल्ब भी रखा हुआ है, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा तो अपने रियर व्यू जो कैमरा है इसके वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता, सिस्टम लगा है उसके साथ कैमरे का जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। और प्लेसमेंट आप देख सकते हो, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर जो है आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। और स्टेयरिंग कंट्रोल के अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट आपको इसके ऊपर स्टेयरिंग रैप जो है वो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है ओएम स्टाइल आपको फिटमेंट जो है कंप्लीट देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप जो है वो चाहो इसके अंदर डुअल टोन वाला करवाना तो वो भी आप करवा सकते हो। जो प्रीवियस दो वीडियोस हमने बनाई हुई है उसके अंदर डुअल टोन का जो इंसर्ट है वो सीट कवर में लगा था, तो उसी के हिसाब से जो अपना स्टेयरिंग व्हील है वो भी कस्टमाइज किया गया था, तो आपके पास उसका भी ऑप्शन है। और प्रॉपर आपको यहाँ पे ओएम स्टाइल जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है, आप इसका भी फिटमेंट अपनी कार के अंदर करवा सकते हैं। एक अपडेट आपको इसकी की के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो इसके बेस मॉडल में की आती है। अगर आपके पास भी बेस मॉडल है तो आपको पता होगा ये वाली जो की है वो कंपनी आपको ऑफर करती है कुछ इस तरीके की, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है। इसका अपडेट किया गया है और अपनी फिलिप फंक्शन वाली जो की है वो बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखो तो ये वाली की जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर लोगो है, आरडी की मार्किंग है और ये इसका फिलिप कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। मतलब कि इतनी बढ़िया की यहाँ पे बना दी गई है कि इसके मुकाबले अगर आप ये देखो तो इसके मुकाबले जो कन्वर्जन है बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें तो अपने 3 बटन से, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी कार की एक्सेसरीज जो है वो आपको मैंने दिखा दी है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहेगा। तो सर सबसे पहले नाम बताइए। अंकित अरोड़ा। अंकित अरोड़ा, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं दिशा गार्डन दिल्ली। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? वीडियोस वगैरह देखी थी, व्यूज देखे थे इसलिए। तो फिनिशिंग फिटमेंट जिस तरीके से आपने वीडियोस वगैरह में देखा, इस तरीके से आपको अपनी कार के अंदर मिल गया है? हाँ, सेटिस्फाइड। तो कंप्लीट अपना काम जो है फुल सेटिस्फेक्शन के साथ हो चुका है। तो इन फ्यूचर आपको दोबारा से कभी रिकमेंड करना हो इस शॉप को तो करना चाहेंगे? बिल्कुल। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला उसके लिए। तो दोस्तों सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इन कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। सारा जो फिटमेंट हुआ है वो किया गया है श्री बालाजी कार एक्सेसरीज करोल बाग में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपनी कार को मॉडिफाई करा सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।